स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही नॉलेजेबल है। जैसा आपको पता होगा मैंने अपने चैनल पे कई बार चाइनीज कॉपी का जिक्र किया है कि हूबहू वैसी की वैसी दिखने वाली, वैसी की वैसी चलने वाली, वैसी की वैसी लगने वाली मशीनें मार्केट में है, लेकिन वो मशीनें सिग्नल को छोड़ती हुई जाती है। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि काउंटरफिट प्रोडक्ट होते हैं, चाइनीज कॉपी भी आती हैं, फेक मेटल डिटेक्टर भी आते हैं। अब आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती, अलग अलग सेलर आपको कम रेट से लगा के जैसा आप फंसेंगे वैसे फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से आपसे जितना बन सकता उतना लूट सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो एक जागरूकता के हिसाब से देखिएगा। पहली चीज ये है कि काउंटरफिट यानी होता है नकली प्रोडक्ट, हूबहू दिखने वाली एक ही चीज। जैसे कि अभी मेरे पास ये अंकल आए हुए हैं, ये गुजरात से आए हुए हैं, इन्होंने मेटल डिटेक्टर लिया हुआ है जो कि है आपका टेक्नेटिक्स का T2। जैसा आपको दिख रहा होगा उसके साथ इन्हें बड़ी कॉइल मिली थी, छोटी कॉइल भी मिली थी और मेन यूनिट भी मिली थी। इसके सीरियल नंबर कंपनी में चेक करने के बाद हमको पता लगा कि ये मशीन काउंटरफिट है। कहां से पता लगेगा आपको? भाई ये सीरियल नंबर इधर डला आया है इसमें, जैसा आपको दिख रहा होगा ये सीरियल नंबर है इसका। अब ये सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 2, 4, 6, मात्र 6 अंकों में सीरियल नंबर डला हुआ है जो कि ओरिजिनल सीरियल नंबर है नहीं। आप इस सीरियल नंबर को कंपनी मेल करोगे, वहां से आपके पास जवाब यही आएगा, दिस इज काउंटरफिट प्रोडक्ट। क्यों है काउंटरफिट? क्योंकि टेक्नेटिक्स T2 के साथ बड़ी कॉइल कभी आती नहीं है। अब बड़ी कॉइल ये एक डुप्लीकेट कॉइल है, यानी कि इस चाइनीज काउंटरफिट की डुप्लीकेट कॉइल है। क्योंकि टेक्नेटिक्स के डीलर हम है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नेटिक्स कंपनी का हमारे पास है, उसी की मैं आपको ओरिजिनल कॉइल दिखाता हूं जो कि होती है ये कॉइल आपको अलग से आती है, 15 इंचेस में आती है। और ये भी देखिए आप, ये ओरिजिनल और फेक में आप बता नहीं सकते कि कौन सी चीज ओरिजिनल है कौन सी डुप्लीकेट, लेकिन फर्क समझने वाली बात होगी, इसका वेट बहुत ही हल्का है और इसका बहुत भारी है क्योंकि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। और दूसरी चीज बैक देखिए, इसमें कॉइल कवर आया है व्हाइट ब्लैक कलर का लगा हुआ और इसमें कॉइल कवर आता ही नहीं है, ये सिर्फ कॉइल है, कवर के साथ आई है व्हाइट कलर का चिपका हुआ है इसके अंदर। आप देख सकते हैं दोनों में फर्क, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों में आप बोल नहीं सकते। जब आप सामने इन दोनों को रखोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ओरिजिनल कौन सी है डुप्लीकेट कौन सी है, लेकिन इसमें फर्क समझना हमको यहां से सीखना चाहिए कि इसकी जो फिनिशिंग आती है वो काफी अलग होती है और इसकी फिनिशिंग काफी अलग हो। ओरिजिनल कॉइल हमेशा अच्छी क्वालिटी में आएगी क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर डला होता है वो काफी हैवी मात्रा में डला होता है और इसके अंदर जो कॉपर आता है वो काफी कम मात्रा में होता है, जिससे ये सिग्नलों को छोड़ती जाएगी और ये सिग्नलों को जो छूट रहे होंगे उनको भी पकड़ती जाएगी। आप इन दोनों का एयर टेस्ट लोगे, दोनों आपको ऐसा लगेगा जैसे बराबर पकड़ रही हो। क्यों? क्योंकि एयर टेस्ट में कोई मिनरल्स नहीं है। जैसा आइटम आप लाओगे आपको लगेगा कि अच्छी मशीन है, लेकिन जब आप ग्राउंड कंडीशन में इस मशीन को लेके पहुंचते हो, इसको छोड़ो और भी कई सारे डिटेक्टरों की कॉपी आती है कई सारी कंपनियों के, चाहे फिशर हो चाहे टेक्नेटिक्स हो चाहे माइन लैब हो, हर कंपनी के डिटेक्टर की कॉपी कहीं ना कहीं अवेलेबल है, कहीं ना कहीं चाइनीज मार्केट से हमारे इंडिया में सप्लाई है या दुबई मार्केट से हमारे इंडिया में सप्लाई है। हूबहू वही दिखेंगी लेकिन काम वो नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि भाई उनमें जो क्वालिटी होती है वो कम कर दी जाती है और ओरिजिनल जो होती है उसमें क्वालिटी अच्छी आती है। टेक्नेटिक्स कंपनी यूएसए बेस्ड कंपनी है अमेरिका की, लेकिन जो ये कॉपी है ये चाइना से इंपोर्ट होके आई हुई है, ये अंकल जी ने खरीदी थी, ये मेरे पास लेके आए हैं, इनको चलाना आती नहीं थी, इनने मेरे को सारी बातें बताई, इनने किसी सेलर के पास से खरीदी थी, इनके पास बिल भी है, इनको 70,000 रुपए की ये यूनिट दी थी। सबसे पहली चीज उस सेलर ने जो गलती करी, कभी भी कोई भी सेलर हो, अगर आप टैक्स बचा रहे हो या आप टैक्स बचा रहे हो भारत सरकार को नहीं दे रहे हो, पहली चीज आप चोरी कर रहे हो। सबसे पहली बात बताऊं क्यों? क्योंकि आपने भाई अंकल जी को दो दो बिल फाड़ के दिए, आप एक ही नाम पे एक ही बिल फाड़ सकते हो, दो क्यों फाड़ के दिए आपने? 70,000 अमाउंट आपने जमा करवाया, 70,000 का सिंगल बिल आप बना के दे सकते थे। सबसे बड़ी बात,
जिस टाइम जीएसटी लागू हुआ आपने टिन नंबर का बिल दिया है, जीएसटी आईएन नंबर का बिल नहीं दिया है अंकल जी को। अभी मैं आपके सामने सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें बोलूंगा। अंकल जी ने उस सेलर से बात भी करी, इनने मेरे को रिकॉर्डिंग सुनाई, इनने चेक करने के बाद उससे बात करी, वो वापस भी नहीं ले रहा उस मशीन को, आधे में भी नहीं ले रहा। जबकि अपनी कंपनी की पॉलिसी ये है कि कोई भी डिटेक्टर आप लेके जाते हो तो 50% अमाउंट में हमारे पास रिटर्न भी ला सकते हो, क्योंकि भाई आपको अपग्रेड करना हुआ। मान लो आप छोटा लेके गए थे, आपको बड़ा चाहिए था, तो बड़ा लेने के लिए आप क्या करोगे भाई, छोटा कहीं बाहर तो बिकेगा नहीं भाई, हमारे पास से हो सकता है दूसरा क्लाइंट आता हो, उसको सेकंड हैंड चाहिए हो तो हम दे सकते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिटेक्टर अगर आपको पसंद नहीं आता तो 50% रिटर्न पॉलिसी के तहत हम उसको ले लेते हैं, जब तक डिटेक्टर वारंटी पीरियड में होता है। अब काउंटरफिट प्रोडक्ट जैसे कि ये है, अंकल जी आपको उन्होंने सबसे पहली चीज क्या कही थी जब आपने टेक्नेटिक्स T2 लाई थी, उन्होंने ये कहा था क्या कि ये चाइनीज है? नहीं बोला था। क्या बोले थे? ओरिजिनल है बोले थे। आपको ये जानकारी थी कि ओरिजिनल और चाइना की कॉपी भी आती होगी कभी? उनको पता नहीं था। बिल्कुल पता नहीं था आपको। अच्छा, ये आप कहाँ से लेके आए थे? हैदराबाद से। किस जगह से लाए थे? तेलंगाना से लेके। ये जहाँ से भी लेके आए हो, जिस भी सेलर के पास से लेके आए हो भाई, अगर आपको उसने ये नहीं बोला है कि ये चाइनीज कॉपी है तो बहुत गलत बात करी। क्यों? क्योंकि जब चाइनीज कॉपी आप दे रहे हो तो आप ठोक बजा के बोलो ना भाई, हम तो चाइनीज दे रहे हैं भाई, ओरिजिनल हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उस चीज के, हम ओरिजिनल दे नहीं सकते। तो उसको बता भाई, ना। ये बात बताना चाहिए। ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लो, कंपनी की वेबसाइट पे जाके हमेशा एक बार चेक करो कि इंडिया में डीलर कौन है। भाई डीलरशिप सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप चेक नहीं करोगे तो वही चीज की आपको कॉपी इंडियन मार्केट में मिल जाएगी। सबसे बड़ा कारण अंकल जी के साथ क्या बना के ये चाइनीज कॉपी ले आए, मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिनल की कीमत महंगी होती है, और जब लोग रेट चार जगह पूछ के आते हैं तो भाई चार जगह में कोई 30 की दे रहा होगा, कोई 60 की दे रहा होगा, कोई 70 की दे रहा होगा, लेकिन किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट का हमेशा रेट MRP फिक्स्ड आता है, और जो रेट फिक्स्ड होता है उसी हिसाब से प्रोडक्ट दिया जाता है। यानी कि एक MRP होता है भाई, आप इस चीज पर दुगने भी कमा सकते हो, चार गुने भी कमा सकते हो, लेकिन एक रेट होता है जो कंपनी तय करती है। जैसा MRP टेक्नेटिक्स T2 का मार्केट रेट $699 कंपनी ने तय करा है, तो भाई 699 जब वहां तय करा है MRP, तो आप उससे ज्यादा क्यों लेना चाह रहे हो, जो आपको मार्जिन है उसके अंदर मिल रहा है। तो होता क्या है, हम लोग सस्ते के चक्कर में एक कॉपी ले बैठते हैं भाई। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिनल टेक्नेटिक्स T2 की कॉइल है, ये अलग से आती है 23,600 की, और ये फर्जी टेक्नेटिक्स T2 की कॉइल है, ये उसी के साथ आती है बॉक्स के। लेकिन सेलर क्या करेंगे, इसी T2 को बॉक्स से अलग कर देंगे, आप लोगों को पता भी नहीं रहेगा। लेकिन जब ये कॉइल आप लेने जाओगे, इस कॉइल का बॉक्स आता है, उसके ऊपर भी सीरियल नंबर होता है, उसकी भी कीमत होती है। क्यों? क्योंकि भाई जब कॉइल अलग से लिए तो अलग ही बना के दी होगी ना कंपनी ने, अलग ही बॉक्स में पैक आएगी। तो ये चीज याद रखना, कोई भी सेलर के यहाँ अगर आप T2 भी ले रहे हो, या G2 भी ले रहे हो, या आप कोई अन्य प्रोडक्ट ले रहे हो, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, दो बार अवेयर जरूर हो जाना। क्यों हो जाना? क्योंकि हूबहू तो वैसे ही दिखेगा, पैसे आपके अखारत में जाएंगे, और जब पैसा मेहनत का लगा हो तो बहुत दिक्कत होती है। आप ये मशीन लगभग साल भर से रखे चला रहे हैं, इससे कुछ भी आपने अच्छा प्राप्त किया क्या? सुन रहे हैं भाई, जब ओरिजिनल प्रोडक्ट होता तो वही चीज आपको, जहां 10 जगह आप इस डुप्लीकेट के साथ चलोगे तो आपको 10 जगह में से ये 9 जगह पूरी तरह से सिग्नल छोड़ देगी, किसी एक जगह सिग्नल देगी, वहां पे आपको क्या करेगी ये, हो सकता है कचरा निकल पाए। भाई निकलवा रही है, क्योंकि कॉपी है, कॉपी बनाई है, एप्पल का फोन है, बात करने बना आता है, फंक्शन होते हैं सारे सेम होते हैं, कॉपी भी उसकी सेम होती है, लेकिन सिक्योरिटी वो नहीं आती। ठीक उसी तरह से इनमें फर्क ही आ जाता है जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, चाइनीज कॉपी को, ये सिग्नल छोड़ती है, और जो अब हम ओरिजिनल को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर क्वालिटी आती है वो इतनी हैवी होती है, और जो मशीन के अंदर फंक्शंस डाले जाते हैं वो इतना प्रॉपरली वर्क करते हैं कि आप 10 टारगेट पे लगाओगे, अगर आपने 10 गाड़े तो 10 के 10 डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये छोड़ते हुए भी आपको निकल जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखो दोस्तों, चाइनीज काउंटरफिट सेलर इंडिया में
बहुत सारी चाइनीज कॉफी सेल कर रहे हैं, जैसे कि ये तो गुजरात से आए हुए हैं, मेरे को तो पता भी नहीं था। अंकल जी का सुबह फोन आया, ऑफिस में आए और मैंने सोचा था कि शायद ये कोई मशीन लेने आए होंगे, ये अपनी मशीन लेके आए हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये मशीन है, एक साल से लेके घूम रहा हूँ और ये बताइए ओरिजिनल भी है या नहीं है। सबसे पहली चीज मैंने अंकल को इसकी कॉइल ही दिखाई, भाई सबसे पहला फर्क ही उनको यही दिख गया होगा। दूसरी चीज मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपनी डीलरशिप चेक करवाई। तीसरी चीज इनका सीरियल नंबर आप चेक करेंगे तो कंपनी मेल रिवर्ट करके बोलती है ये काउंटरफिट मशीन है, यानी कि चाइनीज कॉपी है। हमारी कंपनी ने इस सीरियल नंबर का प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है। जब बनाया ही नहीं है और जिस सेलर ने इनको बेचा तेलंगाना साइड या हैदराबाद साइड या किसी भी साइड, तो भाई जागरूकता का वीडियो है। आपको भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो चीज आप देते हो उसको आप जो रियलिटी है उसकी वो बोल के दो, नहीं है मत दो भाई, मत दो, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर आप दो पैसे के लालच में किसी इंसान के साथ धोखा कर रहे हो तो एक चीज याद रखना, कहीं ना कहीं आप खुद भी धोखा खाओगे किसी ना किसी दिन। भाई किसी ना किसी दिन आप भी धोखे में रहोगे, तो ये चीज याद रखो। आप बेच रहे हो अच्छी बात है, आप कम रेट में दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उस चीज की आप रियलिटी बोलो कि भाई ये तो चाइनीज है, उसकी कॉपी आती है, हूबहू दिखती है, हाँ उससे 19 ही रह जाती है, 20 ही रह जाती है, यानी कि उससे कम रह जाती है काम करने में, वो ज्यादा अच्छा काम करती है। भाई जैसे एप्पल के मार्केट में हमने देखा होगा मोबाइल सेलर हमसे साफ बोल देते हैं दुबई कॉपी है, ये दुबई कॉपी है, ये दिल्ली कॉपी है, चाहिए क्या एप्पल आता है इतना महंगा, सस्ता चाहिए, कॉपी है, दिखेगा वैसे ही, काम करेगा वैसे ही, लेकिन सिक्योरिटी वैसी नहीं आती जैसी एप्पल में आती है। ठीक उसी तरह से आप लोग भी रियलिटी बोल के बेचो, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको ओरिजिनल T2 चाहिए होगी वो ओरिजिनल ले लेगा, या ओरिजिनल G2 चाहिए होगी ओरिजिनल ले लेगा, जिसको चाइनीज चाहिए होगी कम रेट में वो कम रेट में ले लेगा। भाई ये तो होता है एक बिजनेस टैक्टिक्स, कैसा कि भाई आप भी खुले मैदान में हो, आप भी अच्छे से कर सकते हो सेल, भाई किसी पे बजट नहीं बन रहा, उसको उसी की कॉपी पसंद आए तो वो ले सकता है, लेकिन सही बात बताओ कि वो कॉपी काम नहीं करती है। जैसे अंकल जी लेके घूमते रहे, अब अंकल जी को दो दो बिल फाड़ के दिए गए, मतलब दो दो दिखाई अंकल जी बिल, दो बिल इनको फाड़ के दिए गए हैं, जबकि GSTIN नंबर आने के बाद हमेशा एक बिल निकाला जाता है। कोई भी सेलर हो या कोई भी कुछ हो, जैसा आपको दिख रहा होगा ये दो बिल अलग अलग अमाउंट के इनको फाड़ के दिए गए, यही एक बिल दे सकते थे, लेकिन इन बिलों पे TIN नंबर टिन नंबर डाला हुआ है, ना कि GSTIN नंबर। तो ये चीज याद रखना दोस्तों, GSTIN नंबर जरूरी होता है। और आप देख सकते हो 5 साल की वारंटी आती है, तो यहाँ पे देखिए सेलर ने क्या लिखा है, 1 ईयर वारंटी, आप साफ देख सकते हो। अब वही चीज मैं आपको दिखाऊंगा, विश्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट इसकी ओरिजिनल सेलर है, इसकी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर है। अब हमारे यहां से जो T2 जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं अभी बिल निकाल लेता हूं, मैं आपको T2 का बिल बताता हूं। ये देखिए, ये मैं अपने भाई क्लाइंट की हिडन इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो भी T2 का रेट आता है, ये आप देख सकते हैं CGST नंबर IGST नंबर के साथ ये पूरा बिल बना हुआ है, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं वारंटी विल बी 5 ईयर एज पर TNC मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर ने जो वारंटी दी होगी वही आपको मिलेगी, और वो भी बिल पे लिख के। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 1 साल की वारंटी उसने लिख दी, ओरिजिनलिटी या डुप्लीकेसी उसने बताई नहीं, सेल इनको कर दी। आप लोग क्या करते हो, सस्ते और महंगे के चक्कर में गलत डिटेक्टर ले लेते हो, फिर बाद में उनको लेके घूमते रहते हो। जब आप पछताने लगते हो तब आपको रजत भानसिंह तोमर का चैनल दिख जाता है, उस टाइम पे आप मेरे पास आके अपनी दास्तान सुनाते हो। तो मैं एक ही बात कहूंगा, ये चीज याद रखना कि कोई भी चीज आप लो उसकी पहले पूरी पक्की जानकारी लो, ना मशीन भग जाती, ना सामान भग जाता, ना हमारा जेब से पैसा भग रहा, पहले हमको उस चीज की पूरी जानकारी होना चाहिए। जब जानकारी नहीं है तो भाई लेने का क्या मतलब, पहले हमें उसकी स्टडी करना चाहिए, यानी कि हमको उस चीज को समझना चाहिए। अब जैसे अंकल जी ने ले ली, गुजरात से आए हुए हैं, अंकल आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे गुजराती क्लाइंटों को, गुजराती में, आपकी गुजराती में बताइए आप। ध्यान रखते हो, देखना चाहिए लेने के लिए,
जो भी आपने धोखा खाया उसके बारे में भी बता दें। आप गुजराती क्लाइंटों को आपकी गुजराती में बोल सकते हैं। मतलब कंप्यूटर ऊपर जॉइन जो ले ऊपर इंटरनेट नेट ऊपर से आने की दुनिया हमने या नेट ऊपर से या नहीं ओरिजिनल डुप्लीकेट बोला नहीं हमने दे दी जो कि आ लाख ने आओ ले 50 ने आए उनके की जो भाई सेलर है उनका कुछ नहीं जा रहा, वो पैसा आपसे कमाना चाहते। विश्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं। हम क्लाइंट को क्या दे सकते हैं वही चीज़ हम वापस भी ले सकते हैं, वही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारे क्लाइंट सेटिस्फाइड हों। हमारा कोशिश यही है, जो सिखा सकते हैं वो सिखा रहे हैं, जो चलाना नहीं जानते उनको वो भी बताते। 10 बार कॉल करेंगे 10 बार समझाएंगे, 50 बार आएंगे 50 बार सिखाएंगे। मशीन पसंद नहीं आ रही आधे रेट में कटवा के जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई जब चीज अच्छी होगी तो हमेशा अच्छे रेट में भी निकलेगी। जब चीज अच्छी होगी अच्छा काम करेगी, जब चाइना की कॉपी होगी तो काम नहीं करेगी। तो दोस्तों एक छोटी सी बात और एक छोटा सा मैसेज इस वीडियो के अंदर मैं डाल रहा हूँ वो ये है कि सस्ते और महंगे जो दो चीजें आप देखते हो उसके बारे में पूरी क्लियर जानकारी रखना कि अगर हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए हो तो हम उसका ओरिजिनल ही ले रहे हैं क्या, या सस्ते में कहीं हमें ओरिजिनल बोल के कोई और तो नहीं ठग रहा। तो ये चीज याद रखना, ऐसे ठगों से भी सावधान रहना। और ऐसे सेलरों को भी एक ही बात कहूंगा कि भाई आप ये वीडियो देखने के बाद पता है आपको बहुत मिर्ची लगेगी लेकिन सच्चाई है आपने इनको ठगा है। और आपने इनकी मशीन अगर आप चाहते तो भाई इस मशीन की इनके 2 रुपए की मार्केट वैल्यू नहीं है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि ये कहां ले जाके इसको बेचेंगे जब आप खुद नहीं ले सकते। आपने खुद रिकॉर्डिंग में बोला है अंकल जी को कि भाई मैं तो नहीं ले रहा तेरी मशीन, जो करना है कर ले। ये शब्द नहीं होते भाई, बेच दिया क्लाइंट को भूल गए ये नहीं होता भाई। क्लाइंट भगवान होता है, सबसे बड़ी बात है ये सेटिस्फाइड होंगे तो ये 4 क्लाइंट ही आपको लाके देंगे। तो ये चीज याद रखना कि भाई क्लाइंट भगवान होता है हमारा, और उनके साथ ठगी मत करो बिल्कुल भी मत करो। और भाई अगर वो परेशान है वो उसकी आधी कीमत भी मांग रहा है आपसे या जो भी मांग रहा है तो आप उन्हें दे सकते थे। ये शब्द नहीं होते जो उखाड़ सको उखाड़ लो भाई, वो तो गुजरात के हैं, आप कहाँ हैदराबाद तेलंगाना है भाई, वो आपका क्या करेंगे या आप उनका क्या करोगे या आप मेरा क्या करोगे या मैं आपका क्या करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज जैसी होती है वैसी बता के बेचो। मोबाइल फोन के मार्केट में देखो आप, लोग बोलते हैं कि ये चाइना का है, ये ओरिजिनल है, ये चाहिए या ये चाहिए। तो भाई आप भी करो वो चीज, आप लोग भी भाई सेलर हो सेल करो। किसी को चाइनीज चाहिए होगा वो चाइनीज ले जाएगा, जिसको ओरिजिनल चाहिए होगा ओरिजिनल ले जाएगा, लेकिन हकीकत बताओ। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, इंडियन मार्केट में काउंटरफिट मेटल डिटेक्टर चाहे अमेजोन हो, अमेजोन पे सेलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते या अमेजोन खुद सेल नहीं करता। हम जैसे सेलर उसमें एक अकाउंट खोलते हैं और उसके अंदर अपने प्रोडक्ट चढ़ा देते हैं। अब वो हम चाइना से मंगा के दे रहे हैं या कहाँ से, या आप कभी पता नहीं लगा पाओगे। आप यही सोचोगे कि हमने तो अमेजोन से लिया था, फिर वही प्रोडक्ट आपका अच्छा काम नहीं करेगा। तो कई सारी जगहों से बिजनेस प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से चाइनीज कॉफी सेल होती है, जैसे इंडिया मार्ट है हमारे भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। ऐसे ही कई सारे प्लेटफॉर्म है, आप सेलरों के नंबर निकालते हो, 100 जगह रेट ट्राई करते हो, जो सस्ता लगता है वो ले लेते हो। आप ये नहीं सोचते कि हमने ओरिजिनल लिया वो काम सही करा हमें या नहीं करा। भाई ओरिजिनल सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आप जो पैसा लगा रहे हो भाई पूरा लगाना चाह रहे हो उस चीज में, अच्छा प्रोडक्ट चाह रहे हो तो अच्छे की अच्छी कीमत होती है, ये चीज याद रखना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि पता है 50,000 सब्सक्राइबर पे गिव अवे है। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।